हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कानाडी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कानाडी के लिए जो हमने सनफ्लावर ड्रेस बनाई थी, ये देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस है फ्रेंड्स। तो उसके लिए जो है हम ये पगड़ी बनाना सीखेंगे। तो पगड़ी भी हमने बिल्कुल सिंपल वे में बनाई है, जैसे हमारी ड्रेस है सेम वैसा ही वर्क हमने पगड़ी में किया है फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही प्यारी जो है वो हमारी पगड़ी बनकर रेडी हुई है। और जब कान्हा जी पहनेंगे इस ड्रेस के साथ ये पगड़ी, तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लुक आएगी फ्रेंड्स उनकी। तो ये 3 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी फ्रेंड्स मैंने बनाई है, बट वीडियो में मैंने ऑल साइजेस में बताया है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, फिर बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि मैम आप इतने नंबर के लिए बताइए, इतने नंबर के लिए बताइए। तो अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि आपको ऑल साइजेस के लिए आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो अगर आपको पगड़ी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप मेरी कोई भी ड्रेस, मेरी बनाई हुई ड्रेस को देखकर बनाते हैं, तो आप वो भी मुझे मेरे फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर और मुझे उसकी पिक भेज सकते हैं, जिसे मैं आपको अपने चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में डालकर जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस की जो है वो पगड़ी मैंने बेस बनाकर रेडी कर लिया है, और ये मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया हुआ है, ये मेरे 3 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी है। तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसमें मैंने सिर्फ 2 लेयर्स बनाई है। तो छोटे कान्हा जी में देखिए मैंने सिर्फ 2 लेयर्स बनाई है, बड़े कान्हा जी में हम 3, जैसे 4 या 5 नंबर के कान्हा जी में हम 3 लेयर्स बनाते हैं, तो छोटे कान्हा जी की में सिर्फ 2 बनी है। तो मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी वाली जो ड्रेस है फ्रेंड्स, उसमें मैंने पूरी डिटेल में जो है नाप लेना भी बताया हुआ है, और पगड़ी का बेस बनाना बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। तो मैं उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और वैसे मैंने 5 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी का बेस बनाना भी फ्रेंड्स, अभी मैंने पिछली वीडियो पगड़ी की अपलोड करी है अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें भी दिया हुआ था, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो वो 5 नंबर के कान्हा जी के लिए है। बाकी जो स्ट्रॉबेरी वाली ड्रेस है फ्रेंड्स, उसमें मैंने प्रॉपर मेजरमेंट लेना भी बताया हुआ है, तो वहां से देखकर आप किसी भी साइज के कान्हा जी के लिए पगड़ी बेस इजीली बना सकते हैं। और इस ड्रेस के लिए देखिए मैंने ब्राउन कलर का ही बेस बनाया है, और इसके ऊपर हम ऐसा ही सनफ्लावर वाला वर्क करेंगे। तो चलिए हम अब वो वर्क करते हैं। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ब्राउन कलर की ही जो है वो चेन ली है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ये बता देती हूँ कि इसके लिए मैंने जो है वो 40 चेन्स ली थी, तो मेरे कान्हा जी के लिए 40 चेन आई है। उसके बाद मैंने इनको बनाने के बाद आप पहनाकर भी देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी लूज लगती है तो आप इसको ऐसे पीछे से इस तरीके से यहाँ पर एक टांका लगा सकते हैं, तो पगड़ी टाइट हो जाएगी, क्योंकि ये वूलन है। अगर आपको थोड़ी सी टाइट लगती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वूलन जो है वो स्ट्रेचेबल होता है, तो ईजिली आ जाएगी। तो मैंने 40 चेन की बनाई है 3 नंबर के कान्हा जी के लिए, और 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए आप 50 चेन्स ले सकते हैं, तो इजीली आ जाएंगे। अब ये देखिए मैंने थोड़ी सी चेन्स और बनाई है। तो ऐसा वर्क करने के लिए हमें इसके लिए क्या करना है फ्रेंड, थोड़ी सी चेन बना लीजिए, फिर उसके बाद जिस भी साइज की आप कान्हा जी की बना रहे हैं, तो पहले आपको पगड़ी का बेस बनाना पड़ेगा। पगड़ी का बेस बना लीजिए, और इसके देखिए हम ये इधर से, ये देखिए यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे, क्योंकि हमें इसको यहाँ तक स्टिच करना है। तो ये यहां से, और ये देखिए इधर की साइड यहां तक, ये देखिए यहां तक मैंने मेजर कर लिया है। तो जितना हमारा आएगा हमें उतनी चेन्स बना लेनी है। तो यहां तक मैंने चेन्स अपनी बना ली है, ये देखिए ऐसे, तो यहां तक मैंने चेन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां तक हमारी बन गई है। अब हम 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, जो एक हमारी डबल क्रोशिया की हाइट काउंट होगी, और उसके बाद हम एवरी चेन स्टिच में जो है डबल क्रोशिया बना लेंगे एंड तक। तो अब हमें यहां से लेके यहां तक एवरी चेन स्टिच में जो है वो डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहां तक मैंने अपनी चेन बना ली एंड तक, और उसके बाद फिर मैंने 3 चेन्स बनाई है। और हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, और हमें एक लेयर और बनानी है। तो ये देखिए एक थ्री, ये लास्ट क्रोशिये पे तो हमने 3 चेन बना दी, अब नेक्स्ट में ले जाकर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही एवरी चेन स्टिच में बनाते हुए हमें अपना सेकंड राउंड भी जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए अपना सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया है।
ये देखिए मैंने अपना दूसरी रो भी पूरी करके और यहाँ पर धागा जो है वो मैंने, ये देखिए इधर हमारी रो पूरी हुई थी तो मैंने एक चेन और बनाकर नॉट लगाकर और ये देखिए अपना धागा कट कर दिया। अब हमें यहाँ पर येलो का वर्क करना है तो हम लेंगे अपनी येलो वूल और येलो वूल में हम लगा लेंगे एक नॉट। तो ये देखिए हमने नॉट लगा दिया फ्रेंड्स और इसके अंदर हम ले लेंगे एक इस तरीके से लूप और ये देखिए जहाँ हमने अपना धागा कट किया है ये रहा, तो हम यहीं पर जो है वो अपना क्रोशिया हुक लेकर जाएंगे और ये देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे इसमें धागे को लूप में। तो ये देखिए हमारे पास डबल क्रोशिया के लिए जो है वो 3 लूप्स आ गए हैं, तो हम वही इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 3 का 2 फिर 2 का 1, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया आ गया। जैसे कि हमने ड्रेस में फ्रेंड्स ये बनाई थी ये पेटल्स, तो उसके लिए हमने जो है वो ट्रिपल क्रोशिया किया था, बट पगड़ी में बनाने के लिए हम जो है वो डबल क्रोशिया कर रहे हैं, इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये 3 नंबर के काना जी की पगड़ी बना रहे हैं इसलिए। लेकिन आप बड़े काना जी की बनाते हैं जैसे 4 नंबर के काना जी या 5 नंबर के काना जी की अगर आप पगड़ी बनाते हैं तो आप यहाँ पर जैसे कि हमने ड्रेस में करा था या जैसे मैं ये प्रोसीजर कर रही हूँ सेम आपको करना है, बट इसमें आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अगर आप ड्रेस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे ट्रिपल क्रोशिया किया था, तो सेम प्रोसीजर से आपको यहाँ पर वही ट्रिपल क्रोशिया करना है। और हम बनाएंगे यहाँ पर एक चेन और एक चेन बनाने के बाद ये देखिए बिल्कुल इसकी बगल वाली चेन में ले जाकर हम बना देंगे एक और डबल क्रोशिया। ड्रेस में हमने ये सेम प्रोसीजर जो है वो ट्रिपल क्रोशिया से किया था, तो ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ फिर भी अगर कोई सिर्फ पगड़ी देख रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए डबल क्रोशिया में हम एक लूप लेते हैं लेकिन ट्रिपल क्रोशिया में हम ऐसे 2 बार लूप लेते हैं, तो उससे हमारा ये हुक बड़ा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे 1 2 चेन, ड्रेस में हमने बनाई थी 3 चेन बट इसमें हम बना रहे हैं 2 चेन और हम फिर से लूप लेंगे और हम लेकिन यहाँ पर स्किप हम 2 ही करेंगे, 1 2 स्किप करेंगे और 3rd में ले जाकर फिर से हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए तो ये हमारा कुछ इस तरीके से वर्क आएगा। अब फिर हम एक चेन बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया कर देंगे, तो सेम प्रोसीजर हो रहा है फ्रेंड जैसे कि हमने ड्रेस में किया था, बट ड्रेस में जो है वो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था और यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी 2 की जगह। अब हम यहाँ पर 2 स्किप करेंगे, 1 2 और 3rd में ले जाकर फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम यहाँ तक जो है वो अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई और एंड में ये देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पर ओनली 3 जो है वो स्टिच बचे थे, तो यहाँ पर मैं अगर 2 स्किप करती तो मेरा पैटर्न पूरा नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 ही स्किप करा और फिर नेक्स्ट में मैंने ये 2 चेन बनाकर यहाँ पर इसको बना दिया डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में 1 चेन बनाकर बना दिया क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे वैसे हमें एंड में चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपके भी होता है तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आपके ज़्यादा बच जाते हैं तो आप बीच में ज़्यादा स्किप कर सकते हैं, तो ऐसे छोड़ के आपको पैटर्न जो है वो कम्प्लीट करना है। अब हम क्या करेंगे इस तरीके से अपना वर्क टर्न करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे 2 चेन हम बनाएंगे इस तरीके से और ये देखिए अब हम लूप लेंगे और इस वाले इसको ये देखिए इसको हम उठाएंगे और इसमें हम बनाएंगे, उसमें हमने ड्रेस में बनाया था फ्रेंड 6 टाइम डबल क्रोशिया बट इसमें मैं बनाऊंगी 5 टाइम क्योंकि ये मैंने डबल क्रोशिया लिया है ट्रिपल क्रोशिया नहीं लिया है, तो इस लूप में हम बनाएंगे 5 टाइम और मुझे पेटल थोड़ी सी छोटी रखनी है क्योंकि ये हम छोटे काना जी के लिए बना रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप बड़े काना जी के लिए पगड़ी बनाते हैं तो आप सेम प्रोसीजर कीजिएगा जैसे आपने ड्रेस में किया था, फिर आप ये ट्रिपल क्रोशिया ही लीजिएगा और यहाँ पर 6 ही बनाइएगा। और अब हम ये यहाँ पर देखिए 2 बनाएंगे चेन और 2 चेन बनाने के बाद ये देखिए जैसे हमने ड्रेस में किया था मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये जो 2 हमने बनाए हैं इसके मिडल का जो ये वाला है तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से उठाएंगे, सेम ड्रेस वाला पैटर्न हमें करना है पेटल बनाने के लिए। तो ये देखिए इस दोनों के मिडल वाला ये हम इस तरीके से उठा लेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे हाफ क्रोशिये से ज्वाइन कर देंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और अब ये देखिए अब हम अपना वर्क करेंगे इस वाले में, ये देखिए जो हमने 2 लूप बनाए थे इस वाले में, तो इसमें हमें फिर से 5 टाइम जो है वो डबल क्रोशिया करना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम
फोर टाइम एंड फाइव टाइम। तो ये फाइव टाइम हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब ये देखिए जो हमने यहाँ पर टू चेन बनाई थी, अब हमें इसमें वर्क करना है। तो इसमें बाकी सब प्रोसीजर फ्रेंड्स सेम करना है। तो इसमें भी हमने टू टाइम जो है वो डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर से बनाएंगे टू चेन्स। फिर ये देखिए जो हमने दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके मिडल में से क्रोशिया हुक लेके जाएंगे इस तरीके से, और इसमें हम बना देंगे एक डबल क्रोशिया। फिर अगेन इसके अंदर हम इन्हीं चेन्स में हम टू बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है ड्रेस वाला, ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से अगेन ये वाला लूप उठाएंगे और इसमें हम फाइव टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ तक जो है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसमें फाइव टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर टू चेन बनाएंगे, फिर ये देखिए जो दो हमने बनाए हैं यहाँ पर डबल क्रोशिया, इसके जो मिडल वाला है ये इधर नीचे से, ये देखिए इसको इस तरीके से उठा के और इसमें हम हाफ क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, फिर टू चेन बनाएंगे, फिर इस वाले लूप को इस तरीके से उठाकर ऐसे, फिर इसमें फाइव टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऐसे ही हमें सेम प्रोसीजर करना है। फिर इस वाली जो दो चेन बनाई थी इसमें हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर टू चेन बनाएंगे, फिर उन दोनों डबल क्रोशियो के मिडल में से निकालते हुए एक डबल क्रोशिया, फिर इसके सेम इसमें हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि जैसे हमने ये प्रोसीजर किया है सेम कंप्लीट करते हुए हम यहाँ तक अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई, और देखिए एंड में मैंने यहाँ पर सेम वैसे ही बना लिया जैसे बनाते हैं, और यहाँ पर यहाँ इसको ज्वाइन किया था, फिर यहाँ फाइव डबल क्रोशिया। तो ये दोनों साइड से ऐसे पैटर्न आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेन बनाकर अपने वर्क को कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, इस धागे को हम पीछे जो है वो एडजस्ट कर देंगे, और हम लेंगे नीडल थ्रेड, और इस धागे को भी फ्रेंड्स हम क्रोशिया हुक से जो है पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे ऐसे, या आप निडल थ्रेड निडल से भी कर सकते हैं, जो ऊन वाली निडल होती है आप वो लेके उससे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे, और हम इसको इस तरीके से क्रोशिया हुक में डालेंगे, और हम इसको ऐसे निकाल देंगे इधर, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे ऐसे ही। हम इसको भी कर लेंगे, मैं बाद में कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इधर से हम ये निडल थ्रेड लेंगे और इसको हम इस तरीके से मोटा जैसे कच्चा करते हैं इस तरीके से, ये देखिए और इसको जो आप खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से आएगा। इसको आप हाथ से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए और इसको दो तीन बार आपको पक्का कर लेना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अच्छे से मैंने इसको, ये देखिए दो तीन बार सुई इधर और इधर ले जाकर पूरा इसको पक्का कर लिया, और फिर यहाँ पर नॉट लगा दी मैंने। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कलगी की तरह आ गया है फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल सूरजमुखी, यहाँ पर ब्राउन, यहाँ पर येलो। और अब ये देखिए आपको क्या करना है, अपना पगड़ी का बेस लेना है और उसमें ये देखिए जो ये हमारी चोच होती है पगड़ी की, यहाँ पर आपको लगा लेना है इस तरीके से अपना थंब। ये देखिए अंगूठा जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, और हमें निडल थ्रेड अभी कट नहीं करना है, और इसको हम कलगी को लगाएंगे इधर। ये देखिए हमारा अंगूठा इधर है, तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल, ये देखिए ये मेरा अंगूठा है इधर, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया ऐसे, और हम इसको यहाँ पर बैक साइड से जो है वो स्टिच कर देंगे। ये देखिए निडल थ्रेड है, तो एक बार हम इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मोटा मोटा स्टिच कर देंगे। आई होप कि आपको नजर आ रहा हो, ये देखिए ऐसे। तो हम इसको अच्छे से जो है वो पक्का कर लेंगे, तो एक कलगी जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से जो है वो लग जाएगी। तो चलिए हम कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जो है स्टिच कर लिया, ये देखिए बैक साइड से।
फ्रंट से, ये देखिए कितनी अच्छे से स्टिच हुई है। और यहाँ पर अब ये देखिए मेरे पास ये लेस है फ्रंट से, गोल्डन कलर में है, तो इसको मैं यहाँ पर ग्लू गन से जो है वो पेस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फैब्रिक ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। मैं इधर और इधर दोनों साइड जो है इसको पेस्ट कर दूंगी, तो इससे क्या है कि पगड़ी की लुक जो है वो बहुत अच्छी आएगी। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। तो जब कान्हा जी पगड़ी लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पगड़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए जैसे हमारी ड्रेस सिंपल बट ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा, सेम वैसे ही हमारी पगड़ी भी, हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। अगर आप ये चाहें तो आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए जब कान्हा जी आपके पहनेंगे तो कितनी सुंदर लगेगी, ये देखिए बहुत ही प्यारी लुक आएगी फ्रेंड। जब कान्हा जी ड्रेस और ये पगड़ी पहनेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। जैसे हमारी सिंपल सोबर ड्रेस है वैसे ही हमने पगड़ी को भी सिंपल सोबर लुक दिया है और बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये देखिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।